महिंद्रा 585 पावरफुल। ये देखिए किस तरह के कीचड़ में फंस रही है गाड़ी और फिर मैंने ड्रिप मारते हुए चल रही है। नमस्कार किसान भाइयों, आपका बहुत ही शानदार वीडियो पर आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दिखाने वाले हैं जो है ट्रैक्टर के बारे में। देखिए अभी हमारे मक्के की फसल लगी हुई है, इसमें हमने खाद वगैरह सारी चीज़ कंप्लीट कर दिया है, खाद दवाई सब कंप्लीट हो गई है और ट्रैक्टर देखिए कितनी कंडीशन में भर गई है और पूरा ट्रैक्टर भी भर गया था कीचड़ में, उसका भी वीडियो क्लिप हम डाल देंगे बीच में ही। किसान भाइयों देखा आपने कितना बुरी तरीके से ट्रैक्टर फंसा था, लेकिन महिंद्रा की पावर है जो बहुत दमदार ट्रैक्टर है, जो इतनी 2 क्विंटल की ट्राली है, 2 टन की ट्राली है, फिर भी उसको खींच के लेकर आ गया बाहर सुरक्षित तरीके से। थोड़ा मेहनत लगा, जो देखिए अभी पूरी मिट्टी वगैरह फंसी हुई है और आज हम इसका सफाई कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। हम किस तरीके से सफाई कर रहे हैं अब उसको दिखाएंगे। हमने अभी ट्रॉली को पूरा अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, धुल दिया है, कुछ जगह पर मिट्टी तो भरी रहती है और अभी ये वॉशिंग चल रही है बोरी वगैरह की, खाद वगैरह की। ये देखिए बहुत अधिक मिट्टी हो गई, हमने इसमें अभी पानी डाल दिया है फूलने के लिए। ये देखिए एक भी जगह ऐसी नहीं बची है, सीट हो या हैंडल हो या कुछ भी हो, सब जगह कीचड़ भर गया है। पावर स्टीयरिंग भी देखिए पूरा अंदर तक कीचड़ चल गया है, इंजन के अंदर तक। ये देखिए हमारा ये तालाब है सामने, ये थोड़ा सा पानी इकट्ठा हो जाता खेतों का। ये आधा HP की मोटर से हम अभी इसकी धुलाई कर रहे हैं, अच्छे से धुलेंगे इसको, अभी हमने फुले दिया है अच्छे से। और अभी ये सारे इम्प्लीमेंट रखे हुए हैं उनको भी धुलेंगे अभी और आगे क्या क्या कार्य करेंगे इसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। ये देखिए पूरा इतना कीचड़ समा गया है, इतनी मिट्टी समा गई है कि निकालते निकालते लगभग 2-3 घंटे लग जाते हैं सफाई करने में, इतनी मिट्टी भर गई है, हर जगह मिट्टी मिट्टी हो गया है। इसको वॉशिंग करवाने ले आते वॉशिंग सेंटर, लेकिन वहाँ पर भी 400-500 रुपये मांगते, इससे अच्छा हमने सोचा क्यों ना वॉशिंग कर लिया जाए। पर हम अभी एक और जुगाड़ दिखाने वाले हैं, हमने इस स्प्रे पंप की गन है, इससे स्प्रे करके देखा है, जे वाली छटक में लगा के लग तो रही है लेकिन उतना प्रेशर नहीं बना पा रही है। हम इसको अभी पंप में लगा कर स्प्रे करेंगे जैसे कि अंदर जो मिट्टी जमा होगी पूरी निकल जाएगी। ट्राली वगैरह को भी वॉश कर दिया हमने एक बार और अच्छे से करेंगे। बने रहिए वीडियो में, इसी तरह की शानदार जानकारी देते रहते हैं एम्पीरियल फार्मिंग में। किसान भाइयों जैसा कि आपने देखा हम अभी ट्रैक्टर की वॉशिंग कर रहे हैं, तो हमने ये अभी एक नया पंप खरीदा है पिछले साल ही और एक और नया पंप खरीदा है ऑरेंज कलर का, उसमें के साथ ये स्प्रे गन आई है, इसके साथ भी आती अब कि 250-250 रुपये की आती है। तो इसका उपयोग करके दिखाएंगे हम आपको कि किस तरीके से मिट्टी छूट जाती है और किस तरह से उपयोग करना चाहिए। हमने इसको सेटअप कर लिया है और वो नली निकाल दिया है जो इसका स्प्रे में काम आती है और इसको फिट कर लिया है अच्छे से। अब हम इसको चलाकर दिखाएंगे किस तरीके से कार्य करता है। ये पंप रहता है, इसको पीठ में भी टांग सकते हैं या इसको बिल्कुल सूखी साफ जगह में रखना चाहिए। अभी हम इसको चालू कर दिखाते हैं और इसका उपयोग दिखाते हैं कितना आवश्यक है किसान भाइयों के लिए, क्योंकि ट्रैक्टर वॉशिंग सभी को करना पड़ता है। ये देखिए इसमें 2 बटन दी गई है, तो हमने इसको दोनों को ओपन कर दिया है तो डबल मोटर में चल रहा है। ये देखिए कितने अच्छे से कार्य कर रहा है, ये पावर स्टीयरिंग हो या कहीं भी हो, जहाँ तक अपनी उंगली नहीं पहुँच पाती है या कपड़ा वगैरह नहीं पहुँच पाता है तो बहुत आसानी से। ये देखिए ये बिल्कुल छोटे छोटे छेद वगैरह रहते हैं तो इनमें बढ़िया प्रेशर पानी जाता है। ये देखिए इतने होल हैं जो सारी मिट्टी चल जाती है अंदर तक, तो ये निकल नहीं पाती है। ये डोजर लोजर लगाने के लिए होल हैं ये, तो इसमें एक ही बार है पूरा पानी अंदर तक चल जाता है और सारी मिट्टी निकल जाती है पैंट से। ये देखिए कितनी आसानी से सफाई हो रही है इसकी। ये देखिए इधर टंकी के पार भी बहुत मुश्किल रहता है सफाई करना, क्योंकि पूरी मिट्टी भर जाती है इसमें। तो देखिए ये बैटरी के पीछे भी फिल्टर वगैरह रहते हैं, यहाँ पर भी पानी जाना बहुत मुश्किल रहता है। ये देखिए किस तरीके से मठघाट वगैरह में भी हाथ नहीं जा पाता अंदर, तो ये टायर वगैरह भी अच्छे से साफ़ हो जाएंगे। अभी इसमें प्रेशर बहुत शानदार है, डबल मोटर ऑन करना पड़ता है, सिंगल भी चला सकते हैं लेकिन डबल करेंगे तो अच्छा प्रेशर जा रहा है, बिल्कुल एक जगह ही पूरा फोकस कर रहा है तो बढ़िया तरीके से सफाई हो रही है। देखिए सीट वगैरह सारी मिट्टी से भर चुकी हैं। ये देखिए मिट्टी को इधर कपड़े से छुटाना पड़ता है लेकिन ये छूटती नहीं है, इसको इस तरीके से फुला देंगे तो ये अपने आप
गीली हो होकर ये देखिए पूरे बहुत अच्छे तरीके से निकल रही है। आपके घर में भी स्प्रे पंप तो होगा ही, या ट्रैक्टर वाला होगा या बैटरी वाला ही होगा, तो आप भी इस गन का उपयोग कर सकते हैं ट्रैक्टर को धुलने में या अपने कृषि इम्प्लीमेंट धुलने में, या बाइक भी धुल सकते हैं, या घर में कहीं ऊपर हाथ वगैरह नहीं पूछता है तो इसके माध्यम से भी स्प्रे करके सफाई कर सकते हैं बढ़िया आसानी से। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है और पानी की भी बचत होती है। वो मोटर से बहुत अधिक पानी लग जाता है, उसमें पानी की भी बचत होती है। ये देखिए इसका प्रेशर दिखाते हैं हम आपको। ये देखिए बिल्कुल एक ही जगह बिल्कुल तीर के जैसे जाता है तो पूरी मिट्टी वगैरह को साफ कर देता है। देखिए कितनी मिट्टी चिपक गई है इसमें मटघाट में, ये भी निकल जाएगी। अभी इसी तरह से हम सारी ट्रैक्टर को साफ कर देंगे और इम्प्लीमेंट भी साफ करेंगे। अभी इसमें टाइम की भी बचत होती है और पानी की बचत होती है, मेन बात ये रहती है। और मेहनत भी कम करना पड़ता है, आधी मेहनत करना पड़ता है। यदि पूरे जगह में हाथ से या कपड़े से साफ करेंगे तो नहीं हो पाता है, आधी मेहनत और बहुत कम पानी लगेगा इसमें, और काम भी हो जाता बढ़िया तरीके से। कपड़े मारने की बस साफ सकता है, पूरी गाड़ी बिल्कुल चकचका के साफ हो जाएगी, बढ़िया क्लीन हो जाएगी अच्छे से। ये देखिए फट्टे वगैरह में सारी मिट्टी उचड़ गई, इतनी कीचड़ में चले ये ट्रैक्टर अभी, तो ये भी बड़ी आसानी से निकल रही है इसमें से। गाड़ी चला के बताओ, मैं इसको दिखा रहा हूँ ऐसे मार के बताओ। देखिए दोस्तों अभी इसमें पानी ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये भाई चला कर दिखा रहा है आपको, हम अभी दूर से दिखाते हैं आपको। देखिए बढ़िया तरीके से कार्य कर रही है और ये मोटर भी चल रही है। इसका पानी ख़त्म हो गया है तो अभी इसमें पानी फिल कर देंगे फट से, और ये कार्य भी करते रहेगी। वाटर प्रूफ पंप रहते हैं। देखिए इस तरीके से भर दिया जाएगा पानी इसमें। इसमें डायरेक्ट पानी भी जाता रहेगा और सफाई भी होती रहेगी, दोनों कार्य एक साथ हो जाएंगे इसमें। देखिए इसका ये स्प्रिंग लगी हुई है, इससे मोटा पतला कर सकते हैं धार को। ये फुहारा चाहिए या एक जगह स्थिर चाहिए तो ये बहुत अच्छा सिस्टम दिया गया है इसमें। ये देखिए फुहारा बन गया है, अपन को फुहारा चाहिए तो या धीरे धीरे इसको लॉक करेंगे तो ये बिल्कुल सीधा पानी जाएगा। फुहारा ही से सीधे छिर्री चलेगी तो पूरे मिट्टी वगैरह साफ हो जाएगी। अभी इसका हम इस बम्पर वगैरह भी निकालेंगे और अंदर भी सफाई करेंगे इंजन की। अभी इसी तरह की शानदार जानकारियाँ हम एम्पीरियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर आपके लिए लाते रहते हैं। आप वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत महंगी ट्रैक्टर आती है, इनकी साफ सफाई भी करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो फिर जंग वगैरह लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है तो फिर अच्छी सुविधा नहीं है, तो धुलना ही चाहिए, या घर में धुल सकते हैं या वॉशिंग सेंटर में धुला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि साफ़ सफाई रहेगी तो फिर अभी बारिश में इसका 3 महीने अभी उपयोग नहीं होना है, जब तक फसल कटने चालू नहीं हो जाएगी मक्के की या धान की, तब तक इसको ये हॉल में रख देंगे बढ़िया धुल डाल के, तो साफ़ सुथरी रहेगी, जंग वगैरह नहीं लगेगा। इसी तरह की जानकारी हम आपको देते रहते हैं। किसान भाइयों, वॉशिंग करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि ये इंजन है, इसमें कहीं से भी पानी गया इंजन में तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। जैसे कि अब देखिए हमारा अलवार टाइप का एयर फिल्टर है, तो हमने इसको लगा दिया है और सिलेंसर भी लगा दिया है, क्योंकि इंजन के अंदर पानी नहीं जाना चाहिए या कहीं से नट बोल वगैरह से पानी अंदर नहीं जाना चाहिए, तो ऑयल भी ख़राब हो सकता है, इंजन भी सीज हो सकता है। इंजन में देखिए काफ़ी गंदा हो चुका है, इसका भी साफ सफाई करेंगे। ये देखिए पूरा मिट्टी वगैरह भर गई है, पर दिखाएंगे आपको धुलने के बाद कि किस तरीके से गाड़ी को हमने अभी तैयार किया है और कितना टाइम लगा धुलने में। दो लोग धुल रहे हैं, अब लगभग 1 घंटे का टाइम और लगेगा इसमें। किसान भाइयों, अब हमारी ट्रैक्टर हो गई है बस अच्छे तरीके से, हमने इसका सफाई कर दी है, सारी मिट्टी वगैरह निकाल दी है। अब आगे लेकर आएंगे यहाँ पर, इसके टायर वगैरह धुल देंगे, ट्रॉली भी धुल चुकी है। ये पंप का बहुत अच्छा उपयोग है, जैसे हम बाइक भी धुल सकते हैं, कार भी धुल सकते हैं या साइकिल भी धुल सकते हैं, जिसके पास जो साधन हो। देख सकते हैं आप इतना मस्त प्रेशर आ रहा है इसका, बढ़िया अंदर तक मिट्टी साफ हो जाती है, बहुत उपयोगी है। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, उसमें 3-4 घंटे लग गए हैं ट्रॉली और ट्रैक्टर साफ करने में, और 5 मिनट बाइक साफ करने में लगेगा। इस तरह की शानदार जानकारी हम एम्पीरियल फार्मिंग यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।